ये हूँ मैं जो घोड़े बेच के सो रहा। और भाई मेरे को, मैंने जब अपना पीसी खोला तो मेरे को एक चीज दिखाई गई जो कि मतलब जो मेरे अकाउंट से कोई खेल रहा है। जैसे कि जब मैंने लॉग इन किया तो मेरे अकाउंट से कोई खेल रहा है ना, तो आप सोच रहे हो तो मैं लॉग इन कर ही सकता हूँ, तो भाई कैसे कैसे। और गाइस ये बोल रहे हैं ठीक है, तो मैं कैसे अभी बताता हूँ मैं आपको सारी स्टोरी। पहले मैं बताता ये क्या हुआ। मैं ना ये अभी सो के उठाऊँ, फिर मैंने अपने पीसी खोला, फिर उसके बाद मेरे को कोई और खेल। जब मैंने लॉग इन किया तो मेरे को मैंने एमरल्ड ड्रीम और 41 हाँ रोज एंड 1 एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल और 18 एमथिस्ट जो मेरे पास नहीं थे, और ये मेरे पास इस SMP में कैसे आए और किधर से आए ये मेरे को खुद। तो अभी हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमारा सस्पेक्ट कौन है इस मेरी ID से आने का। और पक्का कोई एडमिन हो सकता है या फिर मेरा कोई ओल्ड दोस्त हो सकता है जिसको मेरा पासवर्ड पता और इस सर्वर की ID। तो अभी मैं आरुष को कॉल लगा दूँ क्योंकि आरुष है अभी ऑनलाइन, तो उसको मैं बोलता हूँ VC, उसको मैं यहाँ पे बोलता हूँ माइनक्राफ्ट है। हेलो, हेलो आरुष क्या हुआ भाई। भाई? भाई तेरे को अभी पता है, अबे तेरे को पता है मेरी ID से कोई आया था, मतलब मेरी NNOD भी ऐसी बैन हुआ है। तू नहीं था वो? मेरे को लगा नहीं 5 मिनट पहले तू आया है। नहीं वही मैं भाई, कौन मतलब तो इतना नहीं, स्ट्रेंज भी है मतलब तेरे को। नहीं, वो 5 मिनट पहले मैं ही था। लेकिन जब मैं सो के उठ के आया था ना, जो मैं घोड़े बेच के सो रहा था, और जब मैं उठ के आया मैंने अपना PC खोला और मैं यहाँ पे लॉग इन किया, तो मेरे को दिखा कि वो कोई आपके अकाउंट के साथ पहले से कोई खेल रहा। तो मैंने वो हो कौन सकता है, पागल हूँ क्या मैं, कौन खेल रहा होगा। फिर मैंने जब लॉग इन किया तो मेरे पास एक एमरल्ड ड्रिम थी, 64 बॉटल ऑफ इंचेंटिंग और 19 हार्ट्स, इंचेंटेड गोल्डन एप्पल, स्ट्रेंथ 2 का पोशन, मेंडिंग की बुक, 2 स्मिथिंग टेबल और सबसे बड़ी बात एक बो जिसपे फ्लेम इन्फिनिटी, पावर 5, पंच 2, अनब्रेकिंग 3 और एक इंचांटेड गोल्डन। तो ये कहाँ से आया आज मैं फिगर आउट करने वाला हूँ। और यार ये चोर मेरे पास क्यों नहीं आया? मुझे भी इतना सामान चाहिए। भाई चोर नहीं है भाई, मेरी ID को बैन करवा सकता है, NNOD को भी ऐसे बैन करवाया था, हाँ समझ रहे हैं। टीपी है वन सुपर। अबे मेरा हील कर दिया, थैंक यू। ये मेरे को कुछ तो वो दे ऐसा कुछ हील वगैरह। शील्ड ले किया मेरे पास, लाइक टोटम आई है। भाई अभी हम ना लोगों से पूछेंगे मेरी ID से किसने लॉगिन किया है। अभी अभी भी कोई है नहीं देख 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 लोग? देख देख कौन सस्पेक्ट हो सकता है हमारी, जैसे मेरे ओल्ड फ्रेंड नॉट लेजेंड स्पाइडर, तू, कार्लो, हाँ इनमें से सिर्फ किन किन को IP पता है। नॉट लेजेंड, ओनली नॉट लेजेंड को सिर्फ IP पता है, क्योंकि उसको मैं क्योंकि उसको मिल गई थी जब वो मेरे साथ था बीच में, तो उसको जो IP मेरे पता पास है। भी आई थी तो। अबे तू, तेरे को तो पता है, तू तो प्लेयर है SMP का। कौन हाँ तो उसके पास IP है, उसने बोले? खेला नहीं है SMP में। और एंड वॉर से एक दिन एंड पहले बैन कर दिया। वॉर से एक दिन पहले मैं बैन हुआ, जो पोस्टपोन्ड हो गई थी, लेकिन अब रियल वाली एंड वॉर है 1 नवंबर। तो भाई अब मैं ग्राइंड कैसे करूंगा जब मेरी ID से कोई ऑलरेडी खेल रहा है, उसको पासवर्ड पता है। पासवर्ड वैसे चेंज कर आपके लेना। आपके नहीं, वो ID पता है? वॉइस हाँ वॉइस क्लाइंट का हैक भी तो तो है। लोग कह रहे होंगे भाई पासवर्ड चेंज कर दे, जैसे भी यार उसने बोला, तो भाई उसका आंसर भी मेरे पास है। अगर उसको मेरा ये वाला पासवर्ड पता है तो दूसरे वाला क्यों नहीं पता होगा। और वॉइस क्लाइंट का वर्स्ट हैक भी हैक होता भी है होता है SIP SIP पासवर्ड भाई, निकालने। लेकिन उनको वर्स्ट क्लाइंट के बारे में नहीं पता, सिर्फ हमको ही पता है। लेकिन किसी को पता होता तो बोलता नहीं क्या, मुंह से नहीं निकालता क्या अपने। तो भाई हमारा फर्स्ट सस्पेक्ट है नॉट लेजेंड, क्योंकि उसको मेरा पता है पासवर्ड, जो मैं रिवील नहीं करने वाला, या फिर बाकी सब मेंबर देखेंगे तो भाई। और भाई वो आ जाएंगे। हाँ समझ रहा है, तो नॉट लेजेंड को पता है जो मेरी ID से लॉग इन कर सकता है।
क्योंकि मेरी एनोडी भी ऐसी बैन हुई थी, पहले कोई दिखाया था कोई और खेल रहा है, फिर मेरे पास एमरल्ड ट्रिम आई थी ये, लेकिन ये बंदा एमरल्ड ट्रिम हेलमेट पे कभी बूट्स पे कभी, लेकिन ये बंदा एक हिंट दे के जाता है जब भी जाता है, एक अपने आर्मर पे एमरल्ड ट्रिम लगा देता है। एमरल्ड किसको पसंद है? एमरल्ड, ओ आई गॉट इट, डीआर के वर्ड एमरल्ड का ट्रिम पहनता है ना? नहीं मुझे याद नहीं, मैं तो 1.19। हाँ लेकिन डीआर के एमरल्ड का ट्रिम पहनता है, ये तो सच है ना? हाँ क्योंकि डेडली के साथ बंदे तो रेड सोल लगाते हैं। नहीं डेडली के आज मैं डेडली का बंदा नहीं हूँ। हाँ डेडली का कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं डेडली मैं और क्रेजी नेदराइट का ट्रिम लगाते हैं, मैं डायमंड ट्रिम लगा, मतलब डायमंड नहीं गोल्ड ट्रिम लगाता हूँ, तू भी गोल्ड ट्रिम लगा रहे हैं लेकिन तू डेडली में नहीं। कुछ सोचना पड़ेगा इस बारे में, या क्या पता कोई डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एमरल्ड ट्रिम छोड़ दिया हो। भाई लेकिन ऐसे थोड़ी ना छोड़ेगा वो, उस पे कहां से आएगा, मेरा पैसा तो नहीं वेस्ट कर दिया उसने, मेरे पे 2 मिलियन पड़े हुए थे। 2 मिलियन कैसे आते थे भाई? उसने मेरे 1 मिलियन खर्च कर दिए व्हाट? एमरल्ड ट्रिम भाई, एमरल्ड कितने का मिलता है जरा मैं भी देखूं ना जो पैसा कमा। Only 143 रुपीस और मेरा जो ब्लॉक ऑफ एमरल्ड है। I got it. ब्लॉक ऑफ एमरल्ड है कितने प्राइस का है? 1000. 1340. Yes. और मेरी इन्वेंटरी में क्या है देख, और एक और चीज बना सकता है मेरी इन्वेंटरी में देख क्या है। क्या ये हार्ट्स है? ये उसने लिए होंगे पैसे देके। हाँ ये भी हो सकता है। डेथ एक्सप्लेस क्या? अभी सर्वर में तो हम दो ही हैं बस। डेथ एक्सप्लेस पता ना? कोई नहीं अपने बंदा है वो, क्यों करेगा, उसको तो पता भी नहीं, वो तो भोला सा आदमी है। भोला सा आदमी, शक्ल है उसकी भोली है नहीं वो। ओ पॉपी, तूने पॉपी की दादी भाई। अरे भाई लेकिन तू भी बता ना कौन कौन करेगा ये बता, मैं अभी अभी मेरे को दिखा ऐसा कौन कर सकता है। कौन? I have an idea. Let's talk to some SMP members. कोई है ऑनलाइन अभी? नहीं देख सकी ना वहाँ। SMP. D trigger कर सकता है? D trigger को मैं मैसेज करने वाला हूँ अभी। बट उसके लिए एसएमपी वीसी आना पड़ेगा, तो उसको मैं एसएमपी में पिक करता हूँ। अरे मैं जिद्दू भाई को पिंग कर रहा हूँ, गाइस अगर ये आते तो ठीक है, आ गया आरुष है। आएगा क्या वो? या फिर जैन से पूछ सकते हैं, गज फोर में रहेगी क्या ही करेगा, अच्छा बंदा है। व्हाट इज डी ट्रिगर डूइंग? डी ट्रिगर सर्वर में नहीं खेल रहा, ऑनलाइन भी है। आ गया डी ट्रिगर डाल गोपी आया है भाई, इस पे तो सर्वर म्यूट भी है, तू क्या करेगा? एनीवन मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरी बात सुन, मेरी आईडी से कोई आया है, मेरी आईडी से ना कोई आया है सच्ची में, आरुष से पूछ ले जब मैं आया था, और जब भी मेरा एनएनओडी से भी जब भी मेरा बैन हुआ है, एनएनओडी इसलिए बैन हुआ है क्योंकि उससे बंदे आते हैं ठीक है, मैंने एक बारी को तो इसको इग्नोर किया। ओए इसे बुला रहा था ना, क्या हुआ? हाँ डी ट्रिगर आ गए तू? हाँ बोलना क्या? तो हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई मेरी ना आईडी से कोई आ रहा था, तो तू था क्या वो?
तेरी आईडी से? हाँ मेरी वंच प्ले, हाँ मेरी ना वंच प्लेस से कोई तो आ रहा था शायद। मैं था। क्यों आप क्यों आ रहे थे? बस ऐसे ही आ रहा था। वंच प्लेस किसके आईडी से कैसे आया था? और भाई मेरा पासवर्ड कैसे पता चला आपको? जुगाड़ लगाया मैंने कुछ। लेकिन आपने एक एमराल्ड ट्रिम भी लगा के गए हो मेरे हेलमेट पे। तो और आपने एक इंचांटेड एप्पल और आपने 60 रखे। नो भाई तू रहने दे भाई, इतनी हो पाएगा रहने दे भाई। मेरे को तो शॉटगन है, शॉटगन है। This is just a start. Hello. My dear friend. Wait. AFK killing कर, बस तो AFK killing कर। ये और कुछ नहीं। Plan कर देते हैं। आरुष। बोल। मेरे को पता चल गया। Deadman हो जी। मेरे को पता चल गया कौन है। जल्दी जल्दी private भेज। जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी। सुन मेरी बात सुन, बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। मैं ना डी ट्रिगर के पीछे गया, मैंने उससे पूछा तू क्या आया, उसने बोला मैं ही था। उसने बोला कि मैं मजे के लिए आया और मैंने तेरा पासवर्ड गेस कर दिया, ये तो हो नहीं सकता। और पता है डी ट्रिगर ने क्या बोला? भाई तू समझ नहीं पाएगा, दिस इज जस्ट स्टार्टिंग। इसका मतलब ओ माय।